सिद्धेभ्य ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेश प्रभुवानंद नंदत निश्चिताथम नौमी परमात्मा नमो जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की जय गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय धर्म स्नेही बंधुओं ज्ञानी बनने के लिए ऐसी कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं श्रवण संस्कृति के आचार्य कुलभद्र जी सार समुच्चय में लिखते हैं सर्वद्वन्द्व परित्यज्य निर्वते निर्भृते नातरात्म ज्ञानामृतम सदा पेय चित्त अल्लाहनमुत्तम अंतरात्मा समय दृष्टि को उचित है कि सर्व झगड़े छोड़ संतोषी होकर चित्त को आनंद देने वाले उत्तम व्रत को सदा पीवे महानुभाव सचमुच ही संसार में ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है श्रवण संस्कृति के श्र्दुल आचारी कुंद कुंद अष्टपाह में कहते हैं नानम नरस सारो मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है जिन्होंने ज्ञान की आराधना की है वास्तव में उन्होंने ही अपने जीवन को सार्थक किया है कुंद कुंद आचार्य समय सार में कहते हैं नान गुणे ही बीणा एदम तु पदम बहुबिन लहंती तम गिन्न स्वपद में दम जदि इच्छसी कम् परिमूकम हे भव्य आत्मा यदि कर्मों से सर्वथा मुक्त होना चाहते हो तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर क्योंकि ज्ञान गुण से रहित बहुत पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी ज्ञान रूप आत्मा को प्राप्त नहीं होते ज्ञान रूप आत्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ की आवश्यकता है और ऐसा पुरुषार्थ जो महापुरुषों ने तीर्थंकरों ने किया है ज्ञान ने वो प्रवृत्तिया स्वतः अमृतचंद चंद जी समयसार में कहते हैं ज्ञान ने उप्रव्रज्या ज्ञान दीक्षा को धारण करो संसार में जीव भटकता है अज्ञान के कारण कसायों के कारण और जब तक अज्ञान और कसाय से दूर नहीं होगा तब तक उसे मुक्ति मिल कैसे सकती है ज्ञानी किसे कहते हैं जो कसायों को शत्रु के समान विषयों को विष के समान और मोह को उत्कृष्ट बीमारी समझता है वह ज्ञानी है हम ऐसे ज्ञानी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अनवरत समर्पित करते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण यह परमावृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण ज्ञान समान आन जगत में सुख का कारण इस संसार में रहते हुए यदि कभी सुख की प्राप्ति होगी तो ज्ञान के माध्यम से कुंद आचार्य इसलिए कहते हैं प्रज्ञा रूपी छनी के द्वारा शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जिन्होंने कर लिया है वो ही ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रवेश होकर के अपने आध्यात्मिक सुख का अमल करने लग जाते हैं, जो छद्मस्त आत्मा का ज्ञान ज्ञान को विषय करने वाला हो जाता है उस समय उसमें अपने आप के सिवा किसी और का भान नहीं होता है डूब जाता है और ऐसा वह ज्ञान जीवन के लिए आनंद देने वाला है मैं घटना से आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ धरती पर एक ऐसा महर्षि हुआ जिसने कभी जिंदगी में कुछ संग्रह नहीं किया उसे भूख लगती थी तो धरती पर खेत पर बिखरे हुए गेहूं के कण उठा उठा के खा लेता था एक एक दो दो चार चार कण बीनता हुआ गेहूं के कण इकट्ठा करता और पेट की आग को शांत कर लेता था एक भक्त की बात है कि वह चला जा रहा था और वह ज्ञान आराधना में लीन था ज्ञान देवता में डूबा हुआ था आंखें बंद थी चल रहा था चलते चलते एक बहुत बड़ा कूप आया ज्ञान आराधना में लीन था दृष्टि मार्ग पर नहीं पहुंची और वह कूप में गिर गया कूप में गिरते ही कूप का जल उसके मुख में घुस गया सिर तक पानी पहुंच गया और जीवन मरण का प्रश्न तथापि वह ज्ञानाराधना में इतना डूबा हुआ था कि उसके लिए कोई चीज यह एहसास नहीं दिला रही थी परंतु जल देवता विचार करता है कि भव्य आत्मा ज्ञान देवता में डूबने वाला है यदि इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी तो धर्म का विश्वास उठ जाएगा ज्ञान देवता से लोग विमुख हो जाएंगे जल देवता तुरंत उसके सामने हाजिर होता है और कहता भाई देखो आप कोई में डूब रहे हो मुक्त पानी आया है आपको समझ में नहीं आया चलते वक्त उसने कहा मैं ज्ञान की आराधना में लगा हुआ था क्या बात है उसने देखो तुम्हारे मुंह पानी भर रहा है जान संकट में पड़ी हुई है तो क्या कहना चाहते हो भाई देख के चलो ऋषि कहता है मैं तो केवल ज्ञान आराधना में लीन रहता हूं आप जो मेरी मदद करना चाहते तो कर लीजिए क्या मदद करूं यही मदद कर दीजिए कि मैं अपनी ज्ञान आराधना में लगा रहा और चलता भी रहूं इसलिए दो आंख आप पैरों में और दे दीजिए देवता ने दो आंखें पैरों में दे दी और वह महर्षि कणाद था दो आंख ऊपर की चक्षु दो पैरों में चार आंख होते ही वह धरती पर विचरण करता रहता और ज्ञान आराधना में लीन हो गया तभी से महर्षि कणाद का नाम चक्षुपात भी पड़ गया मैं आपसे कहना चाहता हूं जरा जाओ न पीले ही, बाही जाओ न बढ़ई जावन दिया न हायंती विद्या समाय रे दस वैकालिक ग्रंथ में कहते हैं जब तक बुढ़ापा न आ जाए व्याधि न पड़े इंद्रियां क्षीण न हो तब तक विद्याचरण ज्ञान आराधना कर ले ज्ञानाध्यन चोटी बांध के कर लेना चाहिए समझो मृत्यु आपकी चोटी खींच रही है फिर भी हाथ से किताब आपकी छूटना नहीं चाहिए यद्यपि कौन नहीं जानता कि किताब ज्ञान नहीं है हमारे हृदय सम्राट आचार्य गुंडकुंद कहते हैं सद्दो नानम न नवदी जम्मा सद्दो न यान दे किंची तम्मा अन्नम नानम अन्नम जना जनाबिनती सद्दो नानम न नवदी शब्द ज्ञान नहीं है जम्मा सद्दो किंची, इसलिए शब्द कुछ नहीं जानता है तम्हा अन्नम न अन्नम ज्ञान अन्न है और शब्द अन्न है ऐसा जनाबिनती जिन्हें अंदर भगवान ने कहा है सत्तम नानम न शास्त्र भी ज्ञान नहीं है जम्मा किंची तम्मा अन्नम नानम अन्नम सत्तम जना बिन्ती शास्त्र भी ज्ञान नहीं है जम्मा सत्तम न याण दे किंची इसलिए शास्त्र भी कुछ नहीं जानता है मानवाओं देखिए कितनी गहरी आचारी बात कहते हैं सत्तम नानम शास्त्र ज्ञान नहीं है इसलिए शास्त्र कुछ जानता नहीं है ये बुक्स किताबें क्या जानती हैं बुधगल की पर्याय कुछ भी नहीं जानती हैं तम्मा अन्नम नानम इसलिए ज्ञान अन्न है और शास्त्र अन्न है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है अत्यो ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठम ज्ञान को ज्ञान में ही प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए इससे ज्ञाने निर्मला कीर्ति ज्ञाने न सकल रिद्धि ज्ञाने केवल ज्ञानम ज्ञाने नात्र शिवम सताम ज्ञान से निर्मल यश की प्राप्ति होती है ज्ञान से समस्त लोक में रिद्धियां प्राप्त होती हैं, ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से जगत में पुरुषों को शिवम सताम मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है मोक्ष सुख की प्राप्ति होने का मतलब है कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्ष कृष्ण कर्म करम संपूर्ण कर्मों को ज्ञान के माध्यम से ध्वस्त कर दिया ज्ञान वह पंख है जिसके द्वारा अनंत ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है ज्ञान वह पंख है जिसके द्वारा अनंत ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है क्योंकि ज्ञानाग्नि सोलगते ही अज्ञान बन भस्म हो जाता है ज्ञानी के क्षण माहि त्रिगुप्त सहस्त्र वही ज्ञानी है जो मन बचन और काय की गुप्ति पूर्वक उच्छ्वास मात्र में अनंत काल पुराने प्राचीन कर्मों को परास्त कर देता है सचमुच ही अनुभव का बेटा ज्ञान मानवता के संहार के लिए नहीं वरन मानवता के उद्धार में अवरोधक क्य संहार करने वाला है धर्म स्नेह बंधुओं हरे ज्ञानम यथा क्षेम प्रत्यक्षाक्ष ये अधीते च समर्थस्य यह प्रसाद करोति च जो भगवान के ज्ञान को यथाशक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित करता है उस ज्ञान को पढ़ता है और फैलाता है वह कल्याण का पात्र होता है वास्तव में भगवान के चरणों में रहने वाले इंसान के लिए आज तक कहीं कोई मुश्किल दिखाई नहीं पड़ी है क्योंकि भगवान का ज्ञान वह ज्ञान है जिस ज्ञान के सामने सारे ज्ञान फीके होते हैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान चार ज्ञान और एक तरफ केवल ज्ञान कौन सा बड़ा है एक ज्ञान की चार ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान लेकिन केवल ज्ञान छाय ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान आचार्य कहते हैं जिन वेण मोस मृण विषय सुहव्रयण अमिभूय जर मरण बाह्य हरण खय करणम सब दुख जिनेन्द्र वाणी वीतराग विज्ञान भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान औषधि रूप है विषयों का विरेचन करने वाला है अमृत तुल्य है जरा मरण व्याधि का हरण करने वाला है एवं संपूर्ण दुखों का क्षय करने वाला है हे भव्यात्माओं, आइए ऐसे वीतराग विज्ञान रूप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ कर लेना चाहिए पूज पाज महाराज कहते हैं दुख भावतम ज्ञानम चीते दुख संस्मा यथा बलम दुख ही भावित मुनि मुनिख भावित ज्ञानम सुख पूर्वक प्राप्त किया ज्ञान चीते दुख संध्यध थोड़ा सा दुख आने पर छीन हो जाता है कर्पूर की तरह उड़ जाता है कौन सा ज्ञान दुख भावितम ज्ञानम सुखपूर्वक प्राप्त की गई की विद्या तस्मात्थावलम दुख ही आत्मा नम भावेन मुनि इसलिए मुनिजन परिसह और उपसर्ग को जीतते हुए ज्ञान की आराधना करते हैं ज्ञान समान आन जगत में सुख का कारण ज्ञान से बड़ी सुख की और कोई चीज़ इस संसार में नहीं मिल सकती है इसलिए हमारे गुरुवर कहते हैं विद्यासागर मुनिराज ज्ञान दुख का मूल है ज्ञान ही बहु का कूल राग सहित प्रतिकूल है राग रहित अनुकूल यदि ज्ञान राग से रहित है तो है वीत राग विज्ञान रूप हमारे जीवन को सुख देने वाला है ऐसा बीतरा विज्ञान परिसह उपसर्ग पूर्वक हमें प्राप्त करना चाहिए सुखिया बन के नहीं जो आदमी सुखिया बन के ज्ञान प्राप्त करता है वह थोड़ी सी प्रतिकूलता में विचलित हो जाता है धबला की नौमी किताब में आचार्य वीरसेन स्वामी ने फरमाया है मदीदम केवल नमचा आहे जो व्यक्ति परिसह और उपसर के साथ पंच महाव्रतों का आचरण करता होगा विनय से अधिश्रुत ज्ञान यदि किसी कारण प्रमाण से विस्मत हो जाता है तो उसे प्रभाव में थोड़े से पुरुषार्थ से उपस्थित करती है और केवल ज्ञान को बुला देती है इसलिए आज हमें इतना प्रयास कर लेना चाहिए कि हमारे शरीर से प्रमाद गायब हो जाए बुलाचारी में आचार्य बटकेर जी कहते हैं नानम सि नानम गुणे दि नानम परस उपदिश्य दि नाने नुण दि नायम नानम विनीदो दो हव जो भव्य आत्मा जिनेन्द्र वचनों को सीखता है उसका ही चिंतन करता है दूसरों को भी ज्ञान की बात सिखलाता है ज्ञान से ही न्याय की प्रवृत्ति करता है वही सचमुच में ज्ञान नहीं है ऐसा ही ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण होता है ऐसा ही ज्ञान प्रमाण माना गया है सौम्य ज्ञानम प्रमाणम ज्ञान बहुत लोगों के पास है बहुत लोग पीएचडी डिलीट कर लेते हैं लेकिन जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है वह तो ज्ञानी अर्थात मुनियों के पास ही होता है उन्होंने अपनी प्रज्ञारूपी छनी के द्वारा शरीर का और आत्मा का भेद विज्ञान कर लिया है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ बिन गुरु ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है आप देखो अष्ट के टीकाकार कहते हैं यदि किसी को आत्मा में लीन होता है तो निर्गंथ वीतरा गुरु के चरण में जाकर के बैठ जाओ कुछ करना नहीं है कुछ भी नहीं करना है करना ही बंद करना है और ऐसे बीतरा ज्ञानी गुरु के चरणों में बैठने से आपको सब कुछ मिल जाएगा राजा से मिलना हो तो उसके मंत्री से मिलना पड़ता है वैसे ही आत्मा में प्रवेश करना हो परमात्मा से मिलना हो तो निर्ग्रंथ बीत राग के चरणों में हमें बैठ ही जाना चाहिए मेरा आपसे बहुत बहुत विनम्र अनुरोध है कि इस जमाने के लोगों को देखता हूं तो बड़ी हंसी आती है इंसान इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले और परंदे सोचती रहने को घर मिले कितना संसारी प्राणी का वैचित्र है वह चाहे तब मुझे कुछ मिल जाए अरे तुम तो अनंत ज्ञान के मालिक हो फिर भी आप दूसरे के दर तक ढोकर खाते हैं यही तो अज्ञान है अज्ञान ऐसी रात्रि के समान है जिसमें चांद है ना तारे ज्ञान ऐसा प्रकाश है जिस प्रकाश में हाथ पर रखी वस्तु के समान तीन लोक के सारे पदार्थ दिखाई देने लग जाते हैं यदि हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही अपने जीवन में निर्णय कर लेते हैं कि हे भगवान संसार के सारे झगड़ों से दूर होकर के संतोषी चित्त हो आनंद को देने वाला ज्ञान रूपी अमृत का हम पान करें ज्ञान रूपी अमृत ही हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए आनंद देने वाला है मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे ज्ञानी आचारी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज मिले जिनके सानिध्य में रहकर अनेक अनेक अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन किया सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया और आज बहुत शालीनता के साथ अपने कर्मों की नजरा करने के लिए अभी राम कोशिश में कर लगा रहता हूँ नहीं ज्ञानी ने सदृशम पवित्रम यह विद्य थे ज्ञान से बढ़कर विश्व में अन्न कुछ भी पवित्र नहीं है इसलिए प्रत्येक आदमी को ज्ञान की आराधना करते रहना चाहिए लेकिन वह ज्ञान वीतराग विज्ञान रूप है विषयों को विषय मानने वाला है ज्ञानी जिन्हें विषय तो विषय दिखते हैं वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं कौन होते हैं वो न भूत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा ज्ञानी जिन्हें विषय तो विषय दीखते हैं वही पाठ उनसे हम सीखते हैं आपको भी सीखना है जो वर्तमान में जीने वाले हैं वही ज्ञानी है उन्हें न भूत की स्मृति है ना अनागत की कोई अपेक्षा है और वर्तमान में दूर दूर तक फैले हुए विषय बिस्के सामान लगते हैं पोटेशियम शाइनाइड की तरह लगते हैं हे भगवान अगर छू गए तो मर गए इसलिए पंचिंद्रियों के विषयों को छूना भी नहीं है आदमी बड़े संग में रहे या अकेला रहे इंद्री विषयों से अनासक्त रहने वाले के लिए इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकती है मेरा आप सबके मंगलमय जीवन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और यही कामना है कि आप जब तक स्वस्थ हैं जब तक इंद्रियां ठीक हैं बुढ़ापा नहीं आ जाता है व्याधि नहीं घेरती है तब तक अपनी आत्मा का हित करने के लिए ज्ञान की आराधना कर लेना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय